तो बिलाल भाई, 20 साल से ज़्यादा आप मैदान में हैं, आपको इस बार कैसा लग रहा है कि मॉमडन स्पोर्टिंग क्या रिज़ल्ट करेगा, और अगर करेगा तो क्यों करेगा? दरअसल बात ऐसा है कि 20 साल से तो ताना खींची हो रहा है, सर बहुत फ्रीली काम करने के लिए दिया गया है और हम लोग सब मिल के यूनाइट होकर काम करें, क्या सेक्रेटरी, क्या फुटबॉल सेक्रेटरी, क्या प्रेसिडेंट और क्या टीम मैनेजर और क्या ग्राउंड सेक्रेटरी, हम लोग सब एक साथ आपस में मिलजुल कर तमाम ट्रेजर तक, हमला रही है, करम भाई हैं, खालिद भाई हैं, सब मिलकर हम लोग बहुत दिनों से जब से टीम बिल्ड हो रहा है तब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और आप कोशिश करें, मेहनत करें, नियत ठीक रहने से उसका रिजल्ट मिलता है, जो आपके सामने नज़र आ रहा है रिजल्ट, हमारे खिलाड़ी अच्छे हैं, वहाँ पर टीम वर्क अच्छा हो रहा है, वहाँ पर टेक्निकल स्टाफ, कोचिंग स्टाफ से लेकर तमाम टीम एक यूनाइट होकर लड़ रही है। जब भी आप एक साथ पाँच उंगली को एक साथ अगर बंद करेंगे तो एक मजबूती आती है, उसी तरह से हमारी टीम आज खेल रही है और तमाम सपोर्टरों का भी हमारे साथ सपोर्ट है और बहुत सारे लोगों का भी दुआ है। डोरल कप का फाइनल में हम लोग गए थे, जिस तरह से सपोर्टर्स मैदान पे आए हैं, आपको लग रहा है कि मॉडर्न स्पोर्टिंग का जो 1980s में जो दौर था वो वापस आया है? पूरा शॉर्ट लेग स्टेडियम में फाइनल मैच होगा तो पूरा स्टेडियम भर जाएगा और एक हमारे हमारे खिलाड़ी हमारे सपोर्टर को एक तोहफे के तौर पर देंगे 40 साल के बाद जो जो रिकॉर्ड है उसको कायम करते हुए हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम फाइनल मैच में पहुँच कर अच्छा खेल खेलेगी। बिलाल भाई, आप सुख भी देखे हैं, दुख भी देखे हैं मॉडर्न स्पोर्टिंग का, तो इस बार जो टीम बना है, जो कोच आया है, तो उसमें और पिछले 20 साल में क्या फ़र्क देखे हैं? यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है सब चीज़ का फ्रीडम, हर किसी को, हमारे कमेटी के अंदर हर किसी को फ्रीडम है काम करने का, जो अच्छा काम है अब करें, और कोच को भी इसी तरह फ्रीडम दिया गया कि जो खिलाड़ी अच्छे उसे खिलाएं और देखें अच्छी तरह से, तो कोच को भी फ्रीडम है, तमाम ऑफिसर में आपस में फ्रीडम है, तो जहाँ फ्रीली आप वर्क करेंगे देखिए वहाँ रिजल्ट आएगा। तो आपको लगता है कि 20 साल के बाद कैलकटा लीग चैंपियन होगा मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब? इंशाल्लाह जरूर, हमारे टाइम में तो दो बार रनर हुए हम लोग, तीन बार रनर हुए और बहुत दफ़ा तो रेफरी की वजह से हमारी टीम पीछे रह गई, ये बहुत तमाम खिलाड़ी जानते हैं, तमाम सपोर्टर भी जानते हैं कि फिर थ्रो को फ्री किक देकर हम लोगों को हराया गया, तो ये सारे चीज़ें प्ले ऑफ दिया गया, जिस तरह अभी भी जिस तरह से पूजा के बाद उसी टाइम में दिसंबर महीना ईस्ट बंगाल से प्ले ऑफ मैच वो हमें जीतना था और ईस्ट बंगाल को ड्रॉ करना था, ईस्ट बंगाल वो मैच जीत जाती है और उस वक्त भी हमारे हाथ से कलकत्ता लीग चला गया, तो उम्मीद करते हैं इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम लोग अटल हैं, हमारे यूनाइटेड, हम लोग यूनाइट है सब मिलकर, हम लोग अच्छा मुकाबला करेंगे और फाइनल में भी जीते। आपका क्या रोल रहा है ये 20 सालों में और अभी आपका क्या रोल रहा है टीम के साथ? देखिए 20 सालों में जो भी काम करते थे उसमें बहुत रुकावट बहुत कई जगह पे आता था, जो मेरे दिमाग में थी पहले फ़ायदा पहुंचेगा ये करने से होगा, लेकिन तमाम जगह में बहुत रुकावट होती थी, लेकिन सर किसी जगह में कोई रुकावट नहीं है, सजेशन को लोगों ने लिया है, सब ऑफिशियल्स ने लिया है, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने खुद हमारे सजेशन को लिया, फुटबॉल सेक्रेटरी जो हमारे साथ 18-19 साल से हमारा रिलेशन है, तो हम लोग एक बाउंडिंग है टीम को आगे ले जाने के लिए जो फुटबॉल के साथ जुड़े हुए हैं, यही सबसे बड़ी बात है। टीम को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? लास्ट टीम को मैसेज तो हम लोग तो बोलने का भी तो प्रैक्टिस में हम लोग खिलाड़ियों को बोल दिया है कौन कौन खिलाड़ी टीम का कैसा है क्या है, कोच तो बोलता है जरूर है, कोच तो ट्रेनिंग कराता है, ऊपर से जो हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत जो अपने नॉलेज में है प्लेयरों को थोड़ा सा हम लोग मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं कि ये प्लेयर ऐसा है, वो टीम का वो प्लेयर ऐसा है, कि थोड़ा सा हम लोग मैंने उनको होशियार कर देते हैं कि आप जरा सा ये सब जगह थोड़ा अलर्ट रहना है, यही सब ट्रिक्स थोड़ा बहुत हम लोग देते रहते हैं। सुनने में आ रहा है कि फाइनल भी कल्याणी में होगा, तो क्या इसका लेके आप राज्य सरकार को बोलेंगे कि नहीं इसे सॉल्ट लेक मैदान पे दिया जाए? नहीं नहीं, तो किसी तरह से भी मेरे ख्याल से जो हमारा कल्याणी है वहाँ पे अगर हम फाइनल पहुँचेंगे तो कल्याणी में माहौल बहुत ख़राब होगा, नदिया डिस्ट्रिक्ट में आप जानते हैं नदिया डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, फाइनल मैच वहाँ होने से बहुत प्रॉब्लम होगा, सॉल्ट लेक में हम लोग राज्य सरकार से अपील करेंगे, हमारे मंत्री और विश्वास को हम लोग बोलेंगे, दरकार पड़ेगा हम लोग नवंबर में बोलेंगे कि हम लोगों का मैच सॉल्ट लेक में दिया। आपको क्या लगता है कि 40 साल के बाद वो आप लोग का जिंग टूटेगा फाइनल चैंपियन होने का? इंशाल्लाह जरूर, जो आज नज़र आ रहा देखिए आप बता रहे हैं आपको ना, आप कोशिश कामयाब कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। ये थे हमारे साथ बिलाल अहमद खान, मॉडर्न स्पोर्टिंग से 20 साल से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।